भाई टाटा नेक्सॉन लिए, टाटा नेक्सॉन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं बहुत बढ़िया सेक्सी कंसर्विस एक नंबर। तो भाई जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में बोला था, मैंने एक गाड़ी के साथ ड्रैग रेस कराऊंगा। तो मेरा एक भाई है दिव्यांशु कटारिया। है भाई कटारिया का तू है कटारिया भाई कटारिया। तो भाई इसने लिया है कौन सी स्कोडा कुशाक। ये थोड़े पैसे वाले आदमी भाई, ये थोड़ा क्लास में ही जाते हैं। अरे बंद कर इसको। तो ये जाते हैं क्लास में ही। इसने तो इसकी गाड़ी दिखाता हूँ बैक कैमरे से, एक सेकंड रुको भाई। ये है इसकी स्कोडा कुशाक और इधर अपनी रानी खड़ी है बीस्ट। इसका मुकाबला नहीं है। नहीं है ना? नहीं है भाई, मुकाबला कुछ नहीं है। तो आप अमीर बंदे। अरे नहीं, अमीरी वाली गाड़ी तो ये है, ये बाकी थोड़ी सी भाई रफ एंड टफ। हमें चाहिए रफ एंड टफ, हम क्लास प्लस कहाँ यार हमारा क्लास। तो भाई कुछ फीचर्स बताना चाहोगे नेक्सॉन से बढ़िया? आओ अंदर से शुरू करें पहले बात। हाँ अंदर से करते हैं, आओ अंदर शुरू करें। चलो दिव्यांशु भाई कहाँ से शुरू करेंगे आप बताइए। तो भाई स्टेरिंग से शुरू करते हैं। ये जैसा कि बेस मॉडल है, ये इसका 11,29,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो देखो आप इसमें बेस मॉडल में स्टेरिंग में सारे कंट्रोल आ जाते हैं। इधर ये वॉल्यूम का है, इधर से ये इंफोटेनमेंट इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ये सारे कंट्रोल्स हैं और ये इन्हीं के सारे कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा इसमें लाइटिंग के इधर आ जाते हैं। और इसके एक बहुत प्यारी लुक लगी मेरे को ये वाली जो ये दिए ना ये बटन। स्पेशल इसमें ये टू स्पोक स्टीयरिंग है। अच्छा, जैसे किसी में फोर स्ट्रोक आता है इधर से दो और निकल जाते हैं। ये टू स्ट्रोक, मेरा ये टू स्ट्रोक है लेकिन डी कट नहीं है इसमें। लेकिन मेरा थ्री स्ट्रोक है ना, थ्री स्ट्रोक है। हाँ। तो इसमें टू स्ट्रोक होने के बाद डी की हमें मतलब जरूरत नहीं पड़ी। बाकी इसमें भाई सीट में हाइट एडजस्टमेंट, रेक लाइन, और अगर आप यहाँ बीच में देखो तो ये भाई 7 इंच का इसमें डिस्प्ले आता है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। और भाई आप इसकी वॉल्यूम सुनोगे तो भाई प्यार हो जाएगा, बहुत तगड़ी आवाज है भाई इसकी। और कॉपीराइट आ गया तो तो भाई म्यूट कर लो। नहीं अब सुनाना पड़ गया तो चलो सुनाई देते हैं कोई। चल तू सुना यार, देखी जाएगी जो होगा क्या फर्क पड़ता है। तो आपको इसकी वॉइस सुनाते हैं, एक सेकंड रुको। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो रहे हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो शायद टाटा में ना मिले आपको। इधर ये देखो, ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं गड्ढे में फंस गया और एक टायर आपका स्लिप हो रहा है, तो इसमें चारों टायर में स्पीड सेंसर्स हैं। वहाँ से वो स्पीड को सेंस करके कौन सा टायर स्किड मार रहा है, तो उसमें से पावर कम करके दूसरे टायर में उसको ट्रांसफर कर देगा। सनरूफ नहीं है। हाँ, सनरूफ भी नहीं है भाई, सनरूफ नहीं है भाई इस मॉडल में। कितने कितनी पेटी लगा आया तू? 12.5 लाख भाई। 12.5 लाख में तेरे को सनरूफ नहीं मिल रहा तो क्या किया तूने जिंदगी? अच्छा इसकी एक कमी और बताऊं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी में है ना, इन्होंने ना ORVM फोल्डेबल नहीं दिए। और बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस, ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा कम है भाई, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भाई। ये 188 आपका 205 है, चलो 208 लगा लो। 20 mm 1 इंच भी नहीं है भाई, 1 इंच से भी भाई कुछ तो है। मानो पांडे जी, मानो कुछ तो है। तो आओ बूट दिखाते हैं इस गाड़ी का, ठीक है? दे बता दे बता दे, टाटा ने कमी कहाँ रखी भाई? इसमें नीचे बटन है, ये जो एक है ना इलेक्ट्रिक बटन आता है ना इसका डिग्गी खोलने का, भाई बूट स्पेस इसका बहुत तगड़ा दे रखा है। मेरे को नेक्सॉन का बहुत अच्छा लगा था, पर इसका भी बहुत अच्छा दे रखा है मेरे को, सही लगा। 35 लीटर ज्यादा उसका, 350 है इसका, 385। हाँ तो अब चलते हैं अपनी नेक्सॉन के बारे में बात करते हैं। इसमें टाटा ने थोड़ी सी कमियां यहाँ पे खाई है, जैसे ये वाले कंट्रोल नहीं दिए इसके जो सामने, क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वो यहाँ पे बटन्स नहीं दिए हैं, वो वहीं से करने पड़ते हैं सेट। बाकी स्टीरियो के यहाँ पे दे दिए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया तेरी में है ना? नहीं है, नहीं है। अच्छा वो ओके, वो स्टार्ट स्टॉप है ब्रो, ऑटोमेटिक स्टार्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप। अच्छा बट मैं इस दोनों का सेम है वैसे, एसी का। हाँ एसी का सेम सेम है। बाकी इसमें छोटी सी है ना नोकिया 1100 की डिस्प्ले दे रखी है टाटा ने भाई, उसमें आईफोन वाली, उसमें आईफोन वाली, इसमें नोकिया 1100 की दे रखी है। पर भाई गाड़ी बहुत बहुत ओके गाड़ी है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। एक छोटी छोटी कमियां छोड़ रखी है, RMS नहीं दिया ये डिस्प्ले, ये शायद इससे अपर मॉडल में यहाँ पे वो आता होगा। हाँ, पुश तो इसको भाई कुछ तो देना चाहिए था। हाँ, ये देखो कितना डीप है, आई थिंक ये 2.5-3 इंच का इतना लगभग। फालतू में इतना ये क्यों दिया, खाली एक डम्मी दे देते ना सिर्फ, इसको ब्लॉक कर देते ये। हाँ, ऐसा वियर्ड ना लगता। अब यहाँ पे भाई चाबी भी नहीं रख सकते, अब वैसे चाबी स्टार्ट रखोगे तो अगर पहाड़ों में जा रहे हैं एंजॉय करना है, व्यू देखना है, तो
ऑब्वियसली बात है। बाकी एक्चुअली हमें नीडेड नहीं थी क्योंकि हमारा डेली दिल्ली अब ऑफिस से घर से ऑफिस, तो हमें उस चीज की फिर जरूरत नहीं पड़ी। बट एक बात बताऊं, जब से गाड़ी मैंने लिया ना, मैंने ली थी 8 तारीख को, आज क्या तारीख हो रही है, 25। हाँ 25। इसमें से मैं निकला नहीं अभी तक एक बार भी। पैसा बर्बाद सर। ना बच्चे आए थे, भांजी वगैरह आई थी, वो सब निकले, इसमें घूमे, उनको बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये ली। वैसे स्पेसिंग के बारे में बताओ। स्पेसिंग भाई नो डाउट दोनों में बहुत अच्छा है, इसमें भी काफी अच्छा है और उसमें भी काफी अच्छा। मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, वेदांश प्रॉपर आ गया था भाई। अच्छा आता ना वीडियो में, वेदांश जानता हूं, प्रॉपर आ गया था और कहता भाई इस सीट पे बैठने के बाद है ना, उसके कोई भी गाड़ी में बैठ जाता तो उसका इस पे गियर हैंडल पे उसका पैर लग जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें कहता इस पे नहीं लगा, प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज है इसकी। काफी अच्छी है ब्रो, काफी अच्छी है। तो ड्रैग रेस करेगा? हाँ करते हैं भाई, ड्रैग भी देखते हैं एक बार, देख लो कभी हार उड़ जाए। चलो वो भी देखेंगे जो है तो है भाई। चलो ड्रैग शुरू करते हैं। हम ड्रैग ट्रैक पे आ गए हैं, ये पूरा ही खाली पड़ा रास्ता है। मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया तूने, है ना? जरूरत है। तो गाइस क्या हालचाल है भाई सबके? कल मैंने ना मजा आएगा तुम्हें इस बहुत ज्यादा मतलब सेक्सी व्लॉग में ड्रैग रेस में। अरे ये खा लो कुरकुरे चुरकुरे। कल ना बाड़ों की मालिश कराई थी, तेल की बाड़ी ना खड़े होकर दे रहे तो हमने गाड़ियां लगा ली है, करते हैं ड्रैग शुरू। ये खाली सड़क है, बिल्कुल खाली है और सेफ्टी का ध्यान हम पूरा पूरा रखेंगे, सीट बेल्ट भी लगाएंगे और ड्रैग को शुरू करते हैं। चलो भाई हमने सीट बेल्ट लगा लिया और मेरा ना बचपन का सपना था ये रेसिंग करने का, F1 कार चलाता था तुम्हारा भाई। अब चलाऊंगा, देखो आगे आगे दिखाओ, आगे दिखाओ गाड़ी साइड में अपने। अच्छा बराबर की टक्कर करा, ऐसे नहीं बराबर की टक्कर होने वाली है अभी, बीच में कांच छुड़ाओ कैमरा लेके। 3, 2, 1 अब ये तो अंदर से पता चलेगा भाई कौन सी जीती है, अभी तो नेक्स्ट वन ही आगे चल रही है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे थोड़ी है भाई। टाटा नेक्स्ट वन लिए, टाटा नेक्स्ट वन का कौन कह रहा भाई, देख लो टाटा नेक्स्ट वन तेरी हार जाएगी। हार जाएगी वो तो बहुत दूर रुक गया। देख ले भाई ये बच्चे खिलाड़ी बने मेरे आगे, चल काकू के पास लेके चलता हूं। क्या रहा बेटे जीता नहीं तू? 200 की स्पीड में गाड़ी आए, क्या रुक जाएगी? रुक जाएगी छोरे, रोक दी मतलब तूने, मेरे से प्यार करता है तू? करता है ना मेरे से प्यार? क्या मांगे स्कोडा कुछ आगे? ये तो है वैसे, ये तो नेक्स्ट वन तो थंबनेल चेंज क्या रहा भाई? थंबनेल चेंज करना पड़ेगा। क्या कह रहा, क्या कह रहा, क्या कह रहा? आंटी आगे थी भाई, आंटी आगे थी आगे, कोई बात नहीं अब काकू भाई ऐसा ही होता है। बहुत तगड़े आ रहे हैं मेरे पे। ओए 10 में से कितनी देगा रेटिंग? मैं किसको, तेरे को? मतलब दोनों गाड़ी जीती कौन सी है? मतलब जीती तो भाई अपनी ये है, अरे है तो दोनों अपनी, जीती कौन सी है? मतलब नेक्स्ट वन जीती है तो ये 10 में से 10 तो मेरे इसको ही मिलेंगे। काकू को हम दे देंगे भाई, आंटी आगे थी बीच में, साथ दे देते हम। देखो गाड़ी हार जाती है ना इंसान जब, वही करता है आंटी आगे। दोबारा कर ले, दोबारा ओए भाई दोबारा कर ले, ओए दो राउंड कर लेते हैं इस बार, अंदर बैठ। इस बार आकाश को भी अंदर बिठा लेते हैं। हाँ अंदर बिठा ले, फिर दूसरा राउंड कर लेते हैं, दूसरे में दो जीत गया, जीत गया। हाँ ठीक, और यार अच्छा लगेगा मैं दो जीत गया उससे, तो अभी दूसरा चालू करते हैं। एक सेकंड देखो, काकू का मुंह उतर गया भाई, देखते हैं एक राउंड। ज़ूम कर, ज़ूम कर, काकू का मुंह उतर गया, काकू का मुंह उतर गया भाई। मेरा मन तो नहीं है अंदर बैठने का भाई, पर जबरदस्ती मुझे बिठाया जा रहा है, रोड क्लियर तो नहीं है भाई। एक राउंड और करते हैं फिर देखते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ऑन बजाना 3। ठीक है चलो भाई शुरू करो। तो भाई इसको हटा दे, करो ये लगा स्पॉट मोड, खुशी अलग है भाई, खुशी अलग है। इसको तो बेटा ये बच्चे हैं, देख अभी बताता हूँ। 1, 2, 3 ना भाई उसकी बात देखिए, अरे ऐसे कर थोड़ा सा बराबर रह गया बस। चल बड़े बड़े बड़ी बड़ी, क्या स्पीड है भाई,
राउंड टू भी थोड़ा सा ना मेरा पिकअप नहीं बन पाया क्योंकि मैं हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न की वजह से, पर फिर भी जो फिनिशिंग लाइन थी हम जीते। मतलब स्कूटी तक लगा रहे थे हम, पीछे स्कूटी खड़ी है ना वहां तक हमें लगानी थी, वो मतलब भाग ही गया देख के यार आके मिलवाते हैं सेकंड को। भाई सेकंड राउंड में ना तुम्हारा भाई जीत चुका है, पर काकू नु कह रहा है कि भाई मेरी गाड़ी ना मिड पॉइंट पे रेस पकड़, मिड में पकड़, मिड में मतलब मिड में। और असली सच्चाई है काश के फोन में वो क्लिप आपको दिखाऊं, क्लिप लगाऊंगा ना प्रॉपर दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो मेरी गाड़ी दो बार स्कोडा कुशाक से भाई 20 है, इसका नाम आज से 20 दर्द हो भाई। एक भाई लेकर आया होंडा सिटी, उसके साथ कराऊं कल भाई ने होंडा सिटी के साथ, मैं तो मेरी नेक्सॉन का होंडा सिटी। हां बिल्कुल भाई आप कराओ नेक्सॉन का होंडा सिटी, वो सेडान में है, वो होंडा है, ये टाटा है, कराओ। तो भाई कल होंडा सिटी के साथ कराते हैं। अभी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, लव यू।